वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो यहाँ रात के डिनर की तैयारी चल रही थी और रात के डिनर में मैं बना रही थी प्रियांश का फेवरेट पालक पनीर की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने पनीर को कट करके रखा था, ये होममेड पनीर है। और बस सब्ज़ी बनने ही वाली थी, प्रियांश बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था इस रेसिपी के बनने का। और हस्बैंड अभी ऑफिस से आने ही वाले थे, दूध भी उबल गया था और जैसे ही हस्बैंड आए वो पिज्ज़ा लेके आ गए। तो मैं चाहे कितनी भी टेस्टी पालक पनीर बना दूँ, ये पिज्ज़ा का रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता है। तो अब डेफिनेटली प्रियांश को खाना पड़ेगा पिज्ज़ा, क्योंकि पालक पनीर से टॉप पे वो पिज्ज़ा रखता है। तो देख के वो खुशी हो गया। और मैं इधर हेल्दी खाने की तैयारी कर रही थी और इधर से प्रियांश की बल्ले बल्ले हो गए पिज्ज़ा देख के, तो बहुत एक्साइटेड हो गया, जल्दी से खोलने बोला और ये पिज्ज़ा का अचानक प्लान इनकी वजह से बन गया। तो अब मैं भी पिज़्ज़ा खा लूँगी तो मैं भी डिनर नहीं करूँगी, तो डिनर हो गया वेस्ट हमारा। तो ये पिज़्ज़ा देख के मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, बहुत लालच आता है, मेरा भी पिज़्ज़ा ऑल टाइम फेवरेट है। तो जल्दी से पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बाकी का कल देखेंगे पालक पनीर का क्या करना है। तो यहाँ हो गई हमारे मिनी ब्लॉग का समापन, बाय बाय।